हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारा आपका यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप 7.0 के अंदर एक फोटो का आप लोगों को एडिटिंग सिखाऊंगा, जो कि आपको आउटडोर फोटो एडिटिंग साथ साथ आपको सीवी भी एडिटिंग सिखाऊंगा। तो इस वीडियो में सारे स्टेप्स आप लोगों को क्लियर करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा भी कि किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें वगैरह यहाँ पे ऐड करना पड़ता है और कौन कौन सा स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है ये वाला फोटो एडिट करने के लिए। तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग पे तो दिखा ही चुका हूँ किस तरह का फोटो मैंने लिया था और यहाँ से एडिट करने के बाद मेरे को आउटपुट किस तरह का मिला। तो आज इस वीडियो में वही स्टेप सारे बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नया हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले अपना फोटोशॉप ओपन कर लीजिएगा और वहां पे मेन फोटो जो है वो आपको डाल देना है। और डाल देने के बाद आपको देख सकते हो कुछ इस तरह से ऑप्शंस दे रहे हैं। यहाँ पे आपको ये जो टाइटल बार है, राइट क्लिक करके एक बार इमेज साइज चेक कर लेना। यहाँ पे मेरा देख सकते हो इमेज साइज बहुत ही बड़ा है, मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करूँगा। यहाँ पे सिंपली यहाँ से बड़ा करके आपको यहाँ पे एडिट करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहली स्टेप्स क्या है, पहली स्टेप से जो बैकग्राउंड आप लेयर देख सकते हो इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक डुप्लीकेट लेयर वाला ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो एक डुप्लीकेट लेयर बन चुकी है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर बन जाने के बाद इसके ऊपर बहुत सारा काम है, वो क्या है, सबसे पहले एडजस्टमेंट आइकन पे जाइए। यहाँ से सबसे पहली चीज जो है वो है हुई सैचुरेशन ऐड करना, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड्स वगैरह देख सकते हो पूरा सैचुरेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं सैचुरेशन इंक्रीज करूंगा, आपको देख सकते हो फोटो के पे दिख रहा है कितना तक सैचुरेशन किस तरह लग रहा है। मैं यहाँ पे चलिए 50 के आसपास मैं रखता हूँ और ओके करता हूँ। और ओके करने के बाद देख सकते हो फेस के ऊपर यहाँ पे आ चुकी है थोड़ी सी रेडनेस, तो ये मैं घटाऊंगा। तो इसके लिए मेरे को मास्क के ऊपर क्लिक करना है और ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं ब्रश का साइज थोड़ी सी छोटी किया, फोरग्राउंड कलर आपको ब्लैक रखना है और अभी धीरे धीरे करके ब्रश करना स्टार्ट कर देना है। तो मैं धीरे धीरे करके ओवरऑल स्किन के ऊपर चलिए ब्रश कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वाला स्टेप्स दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो मैंने स्किन के ऊपर पूरा पूरा ब्रश यहाँ पे इतना तक तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन नीचे वाला हिस्सा थोड़ी सी बाकी रह गया था तो ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इतना होने के बाद अभी करना क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी सैचुरेशन ऐड हुई है लेकिन यहाँ पे सिलेक्टिव कलर अभी लूंगा, क्योंकि सिलेक्टिव कलर से थोड़ी सी कलर्स यहाँ पे इंक्रीज करूंगा। तो चलिए देख सकते हो रेड को थोड़ी सी -100 तक ले आया, यहाँ से येलो पे जाऊंगा, येलो का ग्रीक कैन को फुल्ली 100, मैजेंटस को फुल्ली -100, येलो को फुल्ली 100 और यहाँ से ब्लैक को लिटिल बिट इंक्रीज कर लूंगा। यहाँ से योलो से जाऊंगा ग्रीन के ऊपर, ग्रीन का कैन देख सकते हो, ग्रीन का कैन को यहाँ पे सबसे पहले फुल्ली 100, इसका जो मैजेंटास मिलेगा फुल्ली 100, योलो को इधर से फुल्ली 100 कर देता हूँ। ब्लैक को लिटिल बिट इंक्रीज करके यहाँ पे क्या सबसे पहले कैन पे जाऊंगा, कैन का जो कैन है इसको फुल्ली 100, इसका जो ब्लू है इसको भी फुल्ली 100 कर दूंगा और इसका ओके कर दूंगा। तो देख सकते हो पीछे वाला हिस्सा जो है बहुत ही बढ़िया सा एक ग्रीन कलर का आ चुकी है। अगर ज़्यादा ग्रीन्स वगैरह हो चुकी है तो आप योलो पे जाइए, योलो का यहाँ पे जो यहाँ पे कैन मिलेगा कैन को थोड़ी सी घटाइए, मैजेंटास को लिटिल बिट कैन को घटाइए अपने मुताबिक और ओके कीजिए। अभी देख सकते हो कलर कितना ऐड हो चुकी है। अब इस तरह होने के बाद अभी आप एक काम कर सकते हो, ये जो मास्क है अगेन मास्क के ऊपर क्लिक करना और जूम करके अगेन देख सकते हो स्किन के ऊपर थोड़ी सी येलो टाइप का यहाँ पे कलर आ चुकी थी, तो वो भी चलिए सबसे पहले रिमूव कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वाला स्टेप्स दिखा देता हूँ। तो मैंने येलो टाइप का कलर जो था वो रिमूव कर चुका हूँ। अभी इन तीनों जो लेयर है इसको मैं ग्रुप बनाऊंगा या चाहो तो कंट्रोल ई दबा के मार्च डाउन कर लूंगा। देख सकते हो एक एक लेयर को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ई दबा के मार्च डाउन करता हूँ। अभी चेंजेस देख सकते हो पहली वाली लेयर से, अभी ए वाला लेयर का कंट्रोल जे दबा के एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, या चाहो तो राइट क्लिक करके भी डुप्लीकेट बना सकते हो। और इस वाला लेयर के ऊपर आपको एक काम करना है, अगर इसके ऊपर मैं ब्लार ऐड करना है तो अगर ब्लार नॉर्मली ब्लार ऐड करूँ तो इस साइड जो एजेस है थोड़ी सी इतना तक आपको इंक्रीज हो जाएगा थोड़ी सी ब्लार, तब आपका फोटो खराब हो सकती है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल यूज करने के बाद मैं साइड एजेस थोड़ी सी मैं यहाँ पे ब्रश कर दूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ कोई सा भी जगह से एक सैंपल लूंगा, सैंपल लेके इस तरह से मैं धीरे धीरे करके ओवरऑल फोटो का जो यहाँ पे जो इस तरह साइड है साइड को मैं धीरे धीरे करके रिमूव करूंगा। तो चलिए धीरे धीरे करके मैं साइड को रिमूव कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वाला स्टेप्स दिखा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ से मैंने साइड एजेस तो रिमूव कर चुका हूँ, अभी इसके ऊपर ब्लार ऐड करूंगा। तो फिल्टर पे जाऊंगा, ब्लार पे जाऊंगा, यहाँ से गॉसन ब्लार लूंगा और गॉसन ब्लार का अमाउंट नियर अबाउट इस तरह से 50 के आसपास मैं डालूंगा और यहाँ से ओके कर दूंगा।
तो देख पाओगे यहाँ पे एक ब्लर ऐड हो चुकी है, लेकिन इस वाला ब्लर लेयर के ऊपर जो बैकग्राउंड कॉपी है आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऊपर वाले लेयर पे। यहाँ से मैं इसका नाम दे दूंगा ब्लर, सिंपली ब्लर ऐड कर चुका हूँ। अब ये जो बैकग्राउंड कॉपी है इसको पॉलीगोनल लासो टूल से मैं रिमूव करूंगा ओवरऑल बैकग्राउंड को। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करके इस तरह कटिंग एक कर लेता हूँ। नियर अबाउट मेरे को कुछ इतना तक रखना है, तो चलिए कि तू इतना तक मैंने सबसे पहले यहाँ पे कटिंग वगैरह कर लेता हूँ, और कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट वाला स्टेप्स दिखाऊंगा। तो देख सकते हो मैंने बैकग्राउंड वाला तो सिलेक्ट कर चुका हूँ। अभी इतना तक इस तरह से सिलेक्शन हो जाने के बाद एक चीज़ और दिखा दूँ, मेरे इस कुछ अंदर वाली पार्ट्स यहाँ पे रह गया है उसको आपको शिफ्ट दबा के करना है, क्योंकि शिफ्ट दबाओगे तो यहाँ पे प्लस होता जाएगा। आप प्लस होते जाने के बाद आप यहाँ से आसानी से एज ऐड कर सकते हो इसका सिलेक्शन। देख पाओगे जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक प्लस आइकन आ चुकी है यहाँ पे ये जो इसका पॉलीगोनल लासो टूल के ऊपर, और कुछ इस तरह से आपको आउटपुट दिख रहे हैं देख सकते हो। अभी आपको करना क्या है, आपको ये ब्लर वाला पे आपको ब्लर वाला हिस्सा आपको ले आना है, तो इसीलिए बैकग्राउंड कॉपी के ऊपर डिलीट बटन प्रेस करूंगा। तो देख पाओगे बैकग्राउंड ब्लर जो था वो आ चुकी है। अभी कंट्रोल डी दबा देना है तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एजेस वगैरह दिख रही है। तो इसके लिए मेरे को ये लेयर के ऊपर आपको एक मास्क लेना है मेन फोटो की लेयर जो है। मास्क लेने के बाद आपको ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है और फोरग्राउंड कलर ब्लैक ही रखना है। अभी इतना होने के बाद सबसे पहले ब्रश का साइज छोटा कीजिएगा, और इस जगह पे आपको सबसे पहले जूम कर लेना है, और जूम कर लेने के बाद आपका ब्रश का साइज यहाँ पे जूम करने के बाद ही आप एडजस्ट कर लेना। और कर लेने के बाद आपको कुछ इतना तक आपको इस साइड पे ब्रश कर देना है। अब यहाँ पे भी कुछ पार्ट्स यहाँ पे ब्रश करना है, लेकिन एक चीज़ देख लीजिए, मैं यहाँ से अंदर वाली पार्ट से कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पे बाकी रह गया था वो भी रिमूव करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ इस तरह से आपको साइड एजेस वगैरह सारे कुछ रिमूव कर देना है, ताकि यहाँ पे बाकी जो ब्रश है ब्रश का साइज थोड़ी सी इंक्रीज करूंगा। ब्रश का साइज लिटिल बिट नियर अबाउट कुछ इस तरह से करूंगा। अभी इस तरह से करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ब्रश टूल को सबसे पहले इस तरह से चलाऊंगा, और चलाने के बाद कुछ यहाँ पे मेन जो फोटो है उसका कुछ हिस्सा आपका यहाँ पे रिमूव हो सकती है, तो उसको रिटर्न लाना है। रिटर्न लाने के लिए आपको जूम करना है, और जूम करने के बाद आपका ब्रश का साइज थोड़ी सी छोटी कर लेना है, और एक्स दबा के आप इसको फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से कर लिया। अभी करने के बाद आपको ब्रश कर लेना है अपना मेन फोटो का जो पार्ट्स यहाँ पे रिमूव हो चुकी है उसके ऊपर। कर देने के बाद देख पाओगे, देख सकते हो रिटर्न आ रही है, तो यहाँ पे ये ध्यान रख के आपको करना है। तो करने के बाद अभी करना क्या है, इतना तक तो हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ देख लीजिए, अंदर वाली पार्ट थोड़ी सी मैंने रख दिया था, तो इसको नॉर्मल लेयर के ऊपर क्लिक करूंगा मास्क को छोड़ के। अभी अगेन पॉलीगोनल लासो टूल लूंगा और यहाँ से स्टार्ट करके अगेन इसको रिमूव कर लूंगा। चलिए इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हो मैंने सिलेक्शन किया, अगर अगेन डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो ये ब्लर हो जाएगा। देख सकते हो कंट्रोल डी दबा के आप अगेन डी सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो फोटो देख सकते हो कुछ इस तरह से दिख रही है। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको सबसे पहले एडजस्टमेंट आइकन पे जाना है, और यहाँ से लेवल्स वाली सेक्शन आपको लेना है। लेवल्स पे आपको अगर ब्लू करता हूँ तो देख सकते हो इतना तक मेरा यहाँ पे ब्लूनेस इंक्रीज कर सकता हूँ। ब्लू किया, अगेन ग्रीन पे जाऊंगा, ग्रीन को लिटिल बिट इंक्रीज करना है नियर अबाउट कुछ इतना तक, और यहाँ से ग्रीन से जाऊंगा रेड के ऊपर, रेड को भी लिटिल बिट इंक्रीज कर लेना है, और यहाँ से ओके करना है। अभी इतना होने के बाद अभी और भी कुछ स्टेप्स यहाँ पे बाकी रह गया है, वो क्या है, एक आप ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाली लेयर लीजिएगा और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट डाल के देखिए, या इससे पहले और एक बार सिलेक्टिव कलर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कलर्स वगैरह और भी थोड़ी सी अट्रैक्टिव लाना है, तो मैंने सिलेक्टिव कलर ऐड कर रहा हूँ। देख लीजिएगा अपने फोटो के मुताबिक यहाँ पे अमाउंट्स वगैरह सारे कुछ होगा, तो आप एक बार उसको देख देख के ही ओनली यहाँ पे अप्लाई वगैरह करना, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो फोटो का लुक उतना परफेक्ट नहीं लगेगा। तो देख ही सकते हो किस तरह से फोटो का लुक दे रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी उतना ज़्यादा ग्रीन नहीं दूंगा, नियर अबाउट कुछ इतना तक दूंगा और ओके करूंगा। ये जो सिलेक्टिव कलर है आपका फोटो का बहुत सारे जगह पे ऐड हो चुकी है, जैसे कि आपका फेस वगैरह के ऊपर, तो ये सारे रिमूव करना है। तो इसके मास्क के ऊपर क्लिक करके ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है और ब्लैक फोरग्राउंड कलर रख देना है। अभी इतना होने के बाद अगेन आप ब्रश के ऊपर जो फेस के ऊपर आप ब्रश कर लीजिएगा, तो ये देख पाओगे स्किन के ऊपर से जो कलर वगैरह था एक्स्ट्रा आ चुकी थी वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अभी इतना होने के बाद अभी एक लेयर और ऐड करना है, वो क्या है, एडजस्टमेंट आइकन पे जाइए, यहाँ से कलर बैलेंस वाली लेयर लीजिए, हाइलाइट्स पे जाइए, यहाँ से हाइलाइट्स का ब्लू जो है वो 20 to 25 के आसपास इंक्रीज कीजिए। इसका जो मैजेंटा सैन जो ग्रीन मिलेगा, ग्रीन के साइड पे +5, और यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे रेड के साइड पे +5 के आसपास इंक्रीज कर दीजिएगा। अभी मिड टोन्स पे जाना, मिड टोन्स का ब्लू को 10 से 15 के आसपास इंक्रीज कर लीजिएगा। इसका जो सबसे पहले मैजेंटा के साइड पे है -5 कीजिएगा। यहाँ से रेड एंड जो कैन के साइड पे है, तो कैन के साइड पे आपको -5 के आसपास करना है।
अभी ओके कर लीजिए। अभी फोटो देख सकते हो किस तरह लग रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे सिलेक्टिव कलर अगर एक्स्ट्रा आ चुकी है मतलब कलर बैलेंस से, तो यहाँ पे मास्क को सिलेक्ट करके अगेन आप स्किन के ऊपर ब्रश कर सकते हो। नहीं तो मैं रिकमेंड करूँगा यही परफेक्ट है। अभी आप स्किन का कलर जो हुई सेचुरेशन लेके आप वहाँ से चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि आप मैं हुई सेचुरेशन ले सकता हूँ या सिलेक्टिव कलर लेके रेड का जो ब्लैक है वो डिक्रीज करूँगा और येलो का जो ब्लैक है ये डिक्रीज करूँगा। करने के बाद ओके करता हूँ और ओके करने के बाद मास्क को कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट करूँगा और ब्रश टूल को सिलेक्ट करूँगा और फोरग्राउंड कलर आपको यहाँ से व्हाइट रखना है। तो चलिए मैंने व्हाइट रखा, अभी ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है और धीरे धीरे करके अगर ब्रश करता हूँ तो देख सकते हो ये ग्लो आ रही है स्किन के ऊपर, तो वो उस तरह से ग्लो भी आप ऐड कर सकते हो यही लेयर से। चलिए धीरे धीरे करके ओवरऑल हैंड्स वगैरह और जहाँ जहाँ पे हाथों का जो स्किन टिन वगैरह है तो सारे जगह पे मैं यहाँ पे चलिए सबसे पहले ये वाला कलर ऐड करता हूँ धीरे धीरे करके। तो ऐड करने के बाद आपको लास्ट में फाइनल आउटपुट दिखाऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने के बाद कितना तक मेरे यहाँ पे चेंजेस हुआ है। आप फोटो देख सकते हो किस तरह का लग रहा है। अगर मैं सारे को ग्रुप बना लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट अगर दिखाता हूँ कि क्या किस तरह का पहले फोटो था और एडिट करने के बाद मेरे को आउटपुट किस तरह का मिला, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए पहले फोटो था कुछ इस तरह का और एडिट करने के बाद कुछ इतना तक, देख सकते हो किस तरह का लग रही है। अब थोड़ी सी नीचे वाला हिस्सा का थोड़ी सी यहाँ पे सैचुरेशन वगैरह घटा सकते हो, जैसे कि कलर बैलेंस पे जाऊंगा अगर और कलर बैलेंस लेके यहाँ पे ब्रश टूल को सिलेक्ट करके फोरग्राउंड कलर अगर ब्लैक रखता हूँ और धीरे धीरे करके इस तरह से देख सकते हो नीचे अगर ब्रश कर देता हूँ थोड़ी सी कलर यहाँ पे घट जाएगा। इस सिलेक्टिव कलर पे जाऊँगा, इसका भी ब्रश का ओपेसिटी घटाऊंगा और यहाँ से नीचे अगर थोड़ी सी ब्रश करता हूँ थोड़ी सी ग्रीननेस यहाँ पे डिक्रीज होगा। यहाँ पे लेबल्स भी है, लेबल्स का भी मैं यहाँ पे थोड़ी सी इस तरह से ब्रश करके थोड़ी सी ग्रीननेस यहाँ पे डिक्रीज कर दूंगा। यहाँ पे भी सिलेक्टिव कलर बैलेंस यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, ये वाला पे जाऊँगा लिटिल बिट यहाँ पे अगेन ब्रश कर दूंगा। अभी ओवरऑल फोटो देख सकते हो किस तरह का है। आप चेंजेस तो आप लोगों के आंखों के सामने ही दिख रहा होगा कितना परफेक्ट एडिटिंग हुआ है। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर था, आज का एडिटिंग इतना तक है। अगर ये वाला एडिटिंग आप लोगों को पसंद आती है तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर नया हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चले मिलते हैं नए क्विक एडिटिंग के साथ, नए क्विक ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।